उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने मानसून की तैयारियां शुरू कर दी है। जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त ने सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में बने बड़े नालों की सफाई का टेंडर भी जारी किया। शहर के जिन जिन नालों के चौक होने की संभावना है उनको मानसून से पहले खोलने और रीडिजाइन करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हमने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी जितनी भी पुलियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रीडिज़ाइन किया जाए, उनके नीचे जो बहने वाला पानी है उसका जो स्पेस है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहे और चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो।